बंद किया है वो रीजन यही है कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं, तब जाके जो है ना हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा, तो हम यहाँ धरने पे बैठ गए हैं ताकि जो अक्का में बाला है वो हमें सुन सकें और आके हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करें यहाँ बलूचिस्तान में। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो है ना, जिस तरह लास्ट टाइम डीजी आईएसआई आईएसपीआर और जो है ना आईएसआई, वो दोनों आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमने जो है ना, पता नहीं बहुत सारी बातें थी और उसमें ये था कि हमने सियासत में अब नहीं आना, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो है ना वो इन्वॉल्व हैं। सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है, मैं ये समझता हूं कि अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है ना वो पॉलिटिक्स से अपना हाथ उठा दें तो यहाँ 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो ये इससे ज्यादा तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि इस टाइम जो है ना, मैं बात कर रहा हूँ, रात के 2 बज होने वाली है, मैं यहाँ धरने पे बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ सारे लड़के, सारे नौजवान लड़के यहाँ धरने में बैठकर सब मुझे सुन रहे हैं, सारे मेरे साथ जो है ना बैठे हुए हैं, वो इसीलिए बैठे हुए हैं ताकि बलूचिस्तान को, जिस तरह बाकी लोगों ने कहा कि तीसरे दर्जे का जो है ना वो हमें सूबा समझते हैं और शहरी समझते हैं, वो ये नहीं समझें, हमारे साथ बराबरी के साथ जो है ना वो आके बात करें। और हमारे प्रॉब्लम्स तो हम यहाँ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, वो हमसे बेहतर जानते हैं कि बलूचिस्तान का मसला क्या है और उनको किस तरह इनको सॉल्व करना है। और एक एक मेन पॉइंट ये है, मेन ये है कि जो लास्ट टाइम अपना ये इमरान खान साहब ने कहा था ना कि जिस किसी कोई और तो नहीं बचा के जिसने मेरे जो है ना वो अपना मुखालिफ करना है और भी बातें करनी है मेरे हवाले से, तो ये थोड़ा टोंट में कर रहा हूँ कि मैं उनको बताता चलूँ जो भी है अपना कामे बाला या अपना ये रूलिंग पार्टी जो चल रही है, जो जो भी है, उनको मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में कोई ऐसा एक भी रिसोर्सेस बचा है जो उन्होंने अभी तक डाका ना डाला हो। बस थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया वसीम आपका। देखें, एक तो सबसे पहले आप धरने में बैठे हुए हैं, मेरी तरफ से आपको सलाम है, मेरी मोहब्बतें आपके साथ हैं। यानी पाकिस्तान में कोई बंदा, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, जब वो अपने राय के लिए बाहर निकलता है तो मेरे दिल में उसके लिए बहुत रेस्पेक्ट है, मैं वो वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। एक तो ये बात, दूसरा आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप प्लीज एक दूसरे को फॉलो करें, एक दूसरे की आवाज बने। मैं आपके वन बाय वन आईडी देख रहा हूँ, किसी ने 10 बंदों को फॉलो किया हुआ है, किसी ने 20 को किया हुआ है, किसी ने 30 को किया हुआ है। जब तक आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलो नहीं करेंगे, आपकी आवाज कैसे पहुंचेगी? आप ज्यादा लोगों को फॉलो करें, आपका जो धरना है उसकी पिक्चर्स, उसकी वीडियोस आप फेसबुक पे, आप ट्विटर पे, आप टिकटॉक पे, जहां मर्जी लगाएं, आप ये आपके पास, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मीडियम है आपके पास, इसको आप इस मीडियम के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इनकलाब बपा कर सकते हैं अपने बलूचिस्तान में। तो अपनी एनर्जी को, जरूरी नहीं है कि आप रोड में निकल जाए, आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कवर कर रहा, तो आपके पास ट्विटर है, फेसबुक है, अपनी वीडियोस खुद बनाएं, लाइव वीडियोस फेसबुक पे लेके जाएं, आप ट्विटर पे आप क्लिप्स डाउनलोड अपलोड करें। तो प्लीज आप ये चीजें भी करें ताकि आपकी आवाज मेन स्ट्रीम मीडिया में, आपकी एक एक चीज डिस्कस हो। जी असलम, बेलोच या बेलोस्टिक या कुछ ऐसा लिखा हुआ, जी प्लीज असलम साहब आप बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहरबानी सर। असलम बलोच लिखा हुआ है, जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने स्पीकर पे जगह दी। सर मैं शॉर्ट करूँगा, इतना कुछ है नहीं कहने के लिए। तो वेरी अप्रिशिएट सर, आपने बलूचिस्तान के इशू पे स्पेस बनाया। जो सोए हुए बलोच थे, शायद उनको पता चल जाए कि जो BNP से थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं वो भी झूठ पे मबनी है। वो खुद अपना रोना रो रहे हैं, तो इससे बेहतर है बलोच अपनी आज़ादी की तहरीक पे काम करे और ये झूठ और धोखेबाज लोगों से बचे। जी बड़ी मेहरबानी। जी शुक्रिया असलम बलोच साहब। हमारे पास एस खान मरी है, प्लीज आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम एस खान मरी। जी वालेकुम सलाम। बलूचिस्तान के मसाइल और उनका आसान हल ये है कि पहले बलूचिस्तान में जितने भी लोग लापता किए गए, इन लोगों को रिहा कर दिया जाए। लापता करने वाले लोगों को सजाएं दी जाए। बलूचिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तानी फोर्सेस का खात्मा कर दिया जाए। बलोच कौम को कोई न सड़क की ज़रूरत है, न नल।
भाई मेरे, मैंने आपसे कहा है ना कि यहाँ पे पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में रहते हुए आप बात करें, अगर आपने इसी तरह आकर के अपना एक आवाज को, अपनी एक मीडियम को खराब करना है तो उसका फायदा क्या? मुझे क्या जरूरत पड़ी कि मैं यार आप लोग मतलब बलूचिस्तान के मसाइल और उस पर स्पेस करूं? क्या मुझे फेम चाहिए? आप मेरी टाइम लाइन पे जाएं, ये मुबशर भाई की टाइम लाइन पे जाएं, सब लोग जो है ना एजुकेशनल स्पेसेस कर रहे हैं यार। आपसे अगर आप मत आए ना हमारी स्पेस पे भाई मेरे, अगर आपको हमारा पाकिस्तान में उसमें बुरा लगता है तो आप मत आए, आप अपने लिए स्पेसिस करें यार। जो भी आपका एजेंडा है, जो भी आपका वो नजरिया है, जो भी आपके आइडियोलॉजी है, प्लीज आई एम रियली सॉरी, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। और मुबशर भाई आप प्लीज उसको करें प्लीज। मैं जो मेरी मेरी बिलीव है, मैं पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू करीम भाई, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, यानी मैं डॉक्टर करीम, ये स्टॉन्च हमारे भाई हैं, बासित अली हैं, हम सब लोग पीटीआई के इमरान खान के सपोर्टर हैं, बट बावजूद इसके हम नून लीग, हम पीपल्स पार्टी, किसी भी पार्टी से कोई बंदा हो, हम दलील के साथ बात करते हैं, इख्तलाफ करते हैं, और ये आप सब लोगों के लिए बड़ा जरूरी है, जो इस तरह के लोग आके इस तरह बात करते हैं, तो ये आप समझें कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, कहाँ पे कमजोरियां हैं, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। चलो कह भाई ऐसे बात करता है तो आप सब लोगों को समझ आ जाएगी। जी शकील साहब प्लीज आप बात करें। सलाम अलैकुम। जी शकील साहब आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हेलो, जी जी आवाज आ रहा है? सलाम, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बात करें प्लीज। मेरा ताल्लुक ग्वादर से, ग्वादर सीपेक का मरकज माते का जूमर कहा जाता है। ये भी बलूचिस्तान में वाकई है। तो मेरे ख्याल में ये आप कह रहे थे ना कि बलूचिस्तान का हल मतलब क्या है, इसका हल यही है, सियासी हल है। इसमें एस्टेब्लिशमेंट और ये मतलब आपको यहाँ पर छावनी बनाना, बलूचिस्तान को छावनी समझना, इस तरह मतलब ये इसका हल नहीं हो सकता। इसका हल सियासी हल है। और हम जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, ऐसा कहा जाता है कि गवादर सीपेक पूरा खत्ते का तकदीर बदल सकता है, पूरा खत्ते का तकदीर बदलेगा। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम जो वसीम भाई ने जो बात की थी, अभी हम धरने पे मौजूद हैं, मतलब आज 51 रात है कि हम धरना दिए बैठे हुए हैं, वो भी जिंदगी के वो जरूरियात, जैसे कि कहा जाता है कि इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट ग्वादर में बन रहे हैं, बजाहिर तो मीडिया में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अखबारों में तो ग्वादर पूरा जीनत बन चुका है, लेकिन उसकी असल हकायक यही है कि हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो मुंजो दरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हमें हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो वफाक है या सूबा है, हमें उस तरह के शहरी जो पाकिस्तानी शायद वो नहीं समझ रहे हैं जैसा कि समझना चाहिए कि 52 दिनों से 51 दिनों से हम यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं, उस जिंदगी की जरूरत कोई हमें सुनने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं सुना जा रहा है हमें? क्या हमारे जो मामलात हैं वो आईनी नहीं है? हमारे जो मामलात हैं वो जमहूर आईनी नहीं है कि हम लोग आईने पाकिस्तान के तहत क्या हमें जो मुतालबात हैं वो माने जाएं? किस वजह से हमें ये, मतलब ये किस चीज़ की सजा हमें दे रहे हैं? क्यों हमें नहीं सुनना जा रहा है? क्यों हमें नहीं सुना जाता? इस्लामाबाद हमें क्यों नहीं सुनता? वफाक हमें क्यों नहीं सुनता? यहाँ पर ग्वादर के जितने भी वसायल हैं सबको लूट रहे हैं। ऑरेंज ट्रेन लाहौर में बनता है, पता नहीं क्या क्या लाहौर में बनता है, जितने जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो लाहौर में बनता है। क्या ग्वादर को हक नहीं है? क्या ग्वादर को अस्पताल का हक नहीं है कि ग्वादर को अस्पताल दी जाए, ग्वादर को तालीम दी जाए, ग्वादर को जो हमारे जो दरियाई माश है, हमारे जितने भी हम माहीगीर से ताल्लुक रखते हैं, हमारे जितने भी इधर जो हमारे काम है वो सारे माहीगीर वाबस्ता है, लेकिन सिंध से ट्रॉलरों ने हमारा समंदर को ताराज किया हुआ है, हमारे समंदर को बांझ कर रखा है। इस हवाले से क्यों हुकूमत संजीदा नहीं है? वफा क्यों संजीदा नहीं है? क्यों ट्रॉलरों को नहीं रोक रहा है? क्यों मंशियात को हाम किया हुआ है? क्यों हमारे तालीम इदारे जबूहाल हैं? क्यों तालीम इदारे हमें हमारे बंद हैं? हमें अस्पतालों में इलाज की सहूलत क्यों मयसर नहीं है? हमारे नौजवान तो अपना मायगीरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, डिग्रियां लेके क्यों दर बदर की ठोकरे खाने पर मजबूर हैं? इस तरह में क्यों समझा जा रहा है? जब तक हमें बराबरी का दर्जा नहीं दी जाती, जब तक हमें इक्वलिटी नहीं समझा जाता, तब तक हम नहीं समझते हैं कि मामलात हल होंगे। हाँ, मामलात का हल यही है कि
कि हमें बराबर का शहरी समझा जाए, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है क्या? ये गवादर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है क्या? अगर पाकिस्तान है तो हमें पाकिस्तानी शहरी समझकर हमें जिंदगी के तमाम तर जरूरियात, हमारे तमाम सहूलियत हमें दी जाए, तब हम समझते हैं कि वाकई बलूचिस्तान का हल है। बाकी इनका हल सोचा समझा जाए सियासत के जरिए, जाली नुमाइंदे हमें लाके पैराशूट के जरिए हमारे नुमाइंदे लाके हमें सेलेक्ट करते हैं, लेकिन उनके जरिए मामला हल नहीं होंगे बल्कि मामला मजीद बिगड़ेंगे। इनको संजीदगी से हमारे गैर आइनी और गैर कानूनी और गैर आइनी जो हमारे मामलात हैं, हमारे मामलात इंतहाई मासूमाना डिमांड है। हम वो मासूमाना डिमांड लेके 50 दिन से यहाँ पर बैठे हुए, हमें क्यों नहीं सुना जा रहा? जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। जी शकील भाई, आप मेरा सलाम आपको है, हमारी सबकी, हम सब की तरफ से मोहब्बतें हैं आपके लिए, सलूट है आपको कि आप लोग अपने राइट के लिए बैठे हुए हैं। और आप, मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास फेसबुक है, ट्विटर है, टिकटॉक है, एटसेट्रा, इंस्टाग्राम है, आप प्लीज, आप जो धरने में बैठे हुए हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को वीडियोस बनाएं, शेयर करें, जो आपके पॉइंट एजेंडाज हैं उनको रेज करें, आप हमें टैग करें, आप हमें फॉलो करें। और ये मैं, अच्छा एक ही है कि हमें कोई फॉलोअर्स का शौक नहीं है, मुझे डॉक्टर करीम दोनों को, हम सिर्फ प्रोडक्टिव और पॉजिटिव कन्वर्सेशन करते हैं रोजाना, तो प्लीज कोई ऐसा मत समझे। अच्छा एक चीज मैं और ऐड कर दूं, फिर हम 2-3 स्पीकर हम और लेंगे और फिर हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। कुछ बहनें हमारी बैठी हुई हैं यहाँ पे, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके मैं प्रोफाइल, चूंकि मैं आप सब लोगों के प्रोफाइल भी देख रहा हूँ, उस हिसाब से मैं आपको इन्वाइट भी कर रहा हूँ, तो आप प्लीज आप भी आके बात करें। अगर आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप अगर पॉलिटिक्स में कोई आपकी इन्वॉल्वमेंट है, तो आप प्लीज आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। जी बासित भाई, मैं आपको लूंगा, लेकिन आई थिंक मैं एक दो स्पीकर और ले लेता ले लूं, तो फिर हम इसको क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। जी समीर प्लीज आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया आप सबका, दोस्तों का। जी मेरा मौकफ ये है कि जो आपने पहले बात की थी कि आप अपने जो है एहतजाज के और अपने धरनों का जो है वो सिलसिला वीडियोज या सोशल मीडिया का सहारा लेके आप जो है अपने प्रोग्राम को ज़्यादा मीडिया स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम मीडिया में ला सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग सबके इल्म में लाना चाहता हूँ, लेकिन शायद ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बलोचों ने छोड़ा हो जिसमें उन लोगों ने अपना कोई मसाइल कोई बयान ना किए हुए। बलोच आज भी क्वेटा में भी एहतजाज में बैठे हुए हैं, आज ग्वादर में भी बैठे हुए हैं, हर जगह पर जो है एहतजाज होते रहे, लेकिन ये कोई मौका उन्होंने नहीं छोड़ा नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म भी उन्होंने छोड़ा नहीं है, लेकिन ये जो आपके तीसरे दर्जे की शहरियत के वजह से जो हमें कोई इंसान ही नहीं समझा जाता, आपका मीडिया जो है वो लोगों की शादियां गधे दूध के जो है दुकान में वो चूहे वो दिखाने में मसरूफ है, वो कहां हमें देखेगा? हमने तो कोई भी प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से अभी तक छोड़ा हुआ नहीं है। आप बलूचिस्तान में जो है मेन इशू जो है उसका वो लापता अफराद है। आप मुझे बताएं कोई रियासत अगर वो अपनी रिट कायम कर सकता है, या तो आप कहते हैं रियासत मदीना के दावेदार हैं, लेकिन रियासत मदीना में तो वो खलीफा कहते हैं कि अगर दरियाए के किनारे कोई कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो उसका जवाब भी मुझे, उसका जिम्मेदार मैं जवाब दे होगा। यहाँ तो आपके शहरी, आपके अपने पाकिस्तान के शहरी लापता हैं, किसी को कोई पता नहीं है कहाँ गए, रियासत उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेती उनको लाने के लिए। आप उन्होंने शायद ही कोई, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उन्होंने शायद ही कोई लापता अफराद को ऐसे हैं, उनका जो प्रोग्राम है वॉइस ऑफ फॉर बलोच मिसिंग पर्सन के लिए, उन्होंने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म छोड़ा हो। आज भी वो धरने में बैठे हुए हैं, आपने जितनी बार उन्होंने एहतजाज किया आपने उनसे झूठे दावे करके आपको उनको, आपने उनको दिलासा दिया है। आप बाद में बहुत से लोगों की लाशें गिरी हैं, बहुत से लोग जो जाली वो उसमें काउंटर किए गए हैं। आप ये तो कोई मेरे ख्याल से कोई रास्ता इसका नहीं हुआ मीडिया, ये कोई मेरे ख्याल से ना मेन स्ट्रीम मीडिया बलूचिस्तान को कोई वैल्यू देने के वो जो है इरादे में है, ना कोई यहाँ के जो है रियासती इदारे है, ना रियासत, सब मेरे ख्याल से नाकाम हो चुके हैं। यहाँ पर आइन कानून या अदालती निज़ाम सब कुछ जो है बलूचिस्तान में आके नाकाम हो चुके हैं। आप ये कोई सलूशन मेरे ख्याल से मुझे तो नजर नहीं आ रहा, अगर सलूशन होता ये पिछले साल यहाँ पर लोग हम बैठे हुए थे धरने में ग्वादर 32 दिन हमें लगाए वजीर आजम के नोटिस में आने के लिए, हमें 32 दिन यहाँ पर ग्वादर में धरने में बैठे हुए हैं हम, हमें वजीर आजम इमरान खान साहब थे, बदकिस्मती से मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनका जो भी हूँ, लेकिन उन्होंने जो अभी इनकलाबी शऊर जो लोगों में उन्होंने दिया हुआ है मैं उस पर उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे हमें 32 दिन पिछले साल लगे थे वजीर आजम के नोटिस पे आने के लिए, और 50 दिन इस साल हमें लगे हुए हैं, अभी तक किसी के नोटिस में आया वो भी नहीं है। हमने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए हैं, आप हमारे पेजेस जाके देखें, हमने रैलियां, तारीखी रैलियां आप देखें, हमें तारीख बलूचिस्तान की हमने सबसे बड़ी खवातीन रैलियां हमने निकाली है, सबसे बड़े बच्चों की रैलियां हमने निकाली है, सबसे बड़े मर्द हजरात की रैलियां हमने निकाली है। हम किस तरह, आप ही हमें कोई रास्ता बता दें, इससे बढ़कर हम किस तरह जो है अपना मौकफ और अपने जो मसाइल हम उनके साथ लाएं। आप कहते हैं कि आपने पहले भी एक बात की है कि आप जो है अपने नुमाइंदों को उसको ठीक करें ताकि आप अपने नुमाइंदे दुरुस्त लेके आए। मैं आपके पास, आप शायद ही जानते होंगे, मीर अकबर आसकानी हमारे पास एक नुमाइंदा एमपी है, आप मुझे बताएं अगर वो वजीर आजम जो शहबाज शरीफ के घर में अगर चौकीदार के भी लायक हो, आप फिर हमें झूठा करार दे दें, अगर वो कहीं अगर चौकीदारी के लायक हो, वो किस तरह वो लाया गया, आप हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बेहतर जानते हैं वो किस तरह लाए गए हैं वहाँ, उसे इसके जो है किसी भी पोलिंग में वोटिंग नहीं हुई है, वो 12,000 वोट से जीत जाता है, यहाँ पर जो है हमारे ग्वादर में 3-3 दिन तक जो है वो रिजल्ट रोके जाते हैं, उसके बाद से उनका अपने किसी रिस्पेचमेंट के किसी बंदे का वो आ जाता है नाम की बिलान जो है बंदा 50,000 वोट से जीता है। तो ये मेरे ख्याल से मुझे सलूशन नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम तो अब भी अपनी जो आईनी और कानूनी जो जद्दोजहद है हम पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, हम 50 दिनों से अब धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी पुरअमन तरीके से हम अपनी आईनी और जमहूरी जंग जो है लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है, खैर नाउमीद नहीं होना चाहता, लेकिन मुझे लग तो नहीं रहा है। समीर भाई मेरा मतलब मैं चूंकि लिमिटेशंस है हमारी यानी टाइम की, अदरवाइज मैं आपको और देर सुनता, मैं फिर आपसे यही फिर रिपीट करूंगा, मेरा सलाम है, मेरी मोहब्बतें आपके साथ हैं, और मेरा वादा है, मेरा और डॉक्टर करीम का आपका वादा है, ये हमारे साथ स्टॉन्च हैं, फरीद भाई हैं, बासित हैं, उमेर हैं, हम सब का आपसे वादा है, हम आपकी आवाज को इंशाल्लाह उठाएंगे, आप प्लीज हमें टैग करें अपनी वीडियोस और इंशाल्लाह मेन स्ट्रीम मीडिया तक देखें। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इसको जो स्पेस सिलसिले को जारी रखना चाहते हैं तो आप हमारे जो आप तो तहरीक है जो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो अभी फेमस जो हमारे बलूचिस्तान के जो नुमाइंदे हैं मौलाना हिदायतुर रहमान साहब, आप किसी दिन उनको भी ले लें, आप उनको लाएं स्पेस पे, वो बेहतर बयान कर सकते हैं, कोशिश करें बलूचिस्तान के लोगों को आप लें ना, क्योंकि वो अपने मौके पेश कर सकते हैं बेहतर तरीके से कर सकते हैं। समीर भाई आपका पॉइंट आ गया, समीर भाई आपका पॉइंट आ गया, और इतनी देर से आप जो सुन रहे हैं ये सब बलूचिस्तान के लोग हैं जो बात कर रहे हैं आपके सामने है। और दूसरी बात यह है कि मैं अनाउंस कर देता हूं, कल इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने खैर खरीद रखी तो इसी बलूचिस्तान के मसाइल और उनका हल का इंशाल्लाह पार्ट टू करेंगे इंशाल्लाह। तो बिल्कुल हमारा आपसे वादा है कि आप जो भी चीजें आप